Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I'm back with another video from the chapter Human Health and Disease. And today we will discuss a very important topic, that is protozoan disease. And in protozoan disease, the disease which is very, very important for the competitive examination as well as for the academic examination, that is malaria. So malaria, the disease or the term is formed by combining two important terms in the Roman language, that is mal and area. So mal and area, mal ka matlab hi hota hai bad, aur area ka matlab ho gaya location. Okay, location or koi particular area. To ye jo disease hai, ye originate hi bad area se hoti hai. बैड एरिया का मतलब हो गया फाउल स्मेलिंग एरिया. अब फाउल स्मेलिंग एरिया ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्यू टू स्टेग्नेंट वाटर और ड्यू टू वाटर लॉजिंग एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट. अब ये डिजीज क्यों ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द फाउल स्मेलिंग एरिया एंड उस एरिया से जहां पे वाटर कलेक्टेड है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब ये प्रोसेस, ये डिजीज हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिससे कि ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि व्हाई इट इज टर्म्ड एज मल एरिया. क्लियर ना? सो इस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है प्लास्मोडियम. अब देखिए, कॉजेटिव एजेंट इस डिजीज का प्लास्मोडियम, एंड प्लास्मोडियम बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटेस्टा. यानी जो कॉजेटिव एजेंट है वो प्रोटिस्टा है. ओके, आई होप प्रोटिस्टा आप लोग को याद होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड इसका जो कैरियर है वो एक मॉस्किटो है, एंड मॉस्किटो बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑफ किंगडम एनिमेलिया. बस छोटा छोटा आपको टर्म रिलेट करते हुए चलना है ताकि ये समझ में आ जाए कि कॉजेटिव एजेंट प्रोटिस्टा है एंड कैरियर इसका एनोफिलीस मॉस्किटो, जो कि बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑफ किंगडम एनिमेलिया. तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, एंड आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम. ये चीज क्लियर ना? अब इस डिजीज को अभी सिर्फ हम लोगों ने दो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस किया है, इसका कॉजेटिव एजेंट एंड कॉजेटिव एजेंट मैं यहां पे मेंशन करना भूल गया हूं. It's a plasmodium which belongs to protista. Okay? Plasmodium which belongs to protista. Clear na? So there are so many types of plasmodium, but jo malaria cause karne mein involved hai, pehle wo sare types hum log samajh le. To plasmodium mein jo malaria कॉज करने वाला स्पीशीज है उसमें है प्लास्मोडियम. पी स्टैंड फॉर प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम. ओके, प्लास्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लास्मोडियम मलेरिया. क्लियर ना? तो ये मेन कॉजेटिव एजेंट प्लास्मोडियम, एंड इसका कैरियर है एक मॉस्किटो एनोफिलीज. अब यहां पे एक छोटी सी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जब मॉस्किटो इस प्लास्मोडियम को कैरी करेगा, जब एनोफिलीज इस प्लास्मोडियम को कैरी करेगा, तो ये एनोफिलीज भी इंफेक्टेड हो जाएगा. बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि देखिए, बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, क्यूलेक्स है, एडीज है एंड एनोफिलीज है, बट ये जो प्लास्मोडियम है जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, इस प्लास्मोडियम का कैरियर एनोफिलीज है.
अब यहां पे एक सिंपल सी चीज आपको क्या समझनी है कि दो कैटेगरीज हैं एनोफिलीज की। पहली वो कैटेगरी जो प्लास्मोडियम को कैरी नहीं कर रहा। अगर वो प्लास्मोडियम को कैरी नहीं कर रहा है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो कंप्लीट जो एनोफिलीज का ग्रुप है वो नॉन इन्फेक्टेड है। और एक तरफ वो ग्रुप है एनोफिलीज का जिसने प्लास्मोडियम कैरी किया है। अगर प्लास्मोडियम कैरी किया है इट मींस एनोफिलीज भी इन्फेक्टेड है और उस इन्फेक्टेड स्टेज को हम स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। ओके, तो ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि जो इन्फेक्टेड एनोफिलीज है इसी के बाइट करने से मलेरिया होता है। तो जो इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड का मतलब जो प्लास्मोडियम कैरी कर रहा है वो इन्फेक्टेड एनोफिलीज स्पोरोजॉइट्स कहलाता है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ये चीज बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि इन्फेक्टेड एनोफिलीज स्पोरोजॉइट्स कहलाता है। अब ये जो कॉजेटिव एजेंट है प्लास्मोडियम, इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब इसे डिजीज कॉज करने के लिए, सिम्टम्स को शो करने के लिए, या मैं बहुत सिंपली अगर कहूं तो ह्यूमन बीइंग्स को हार्म करने के लिए टू होस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो टू होस्ट हैं प्लास्मोडियम के, इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो प्लास्मोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट, और जो दो होस्ट हैं प्लास्मोडियम के, इसमें फर्स्ट होस्ट है फीमेल एनोफिलीज। ओके, क्योंकि मेल एनोफिलीज के बाइट करने से मलेरिया नहीं होता है। तो फर्स्ट है फीमेल एनोफिलीज और जो सेकंड है वो है ह्यूमन बीइंग। तो टू होस्ट आर रिक्वायर्ड देयर, एक एनोफिलीज और एक ह्यूमन बीइंग्स। तो टू होस्ट की वजह से प्लास्मोडियम को डाइजेनेटिक स्पीशीज मानते हैं। डाइजेनेटिक का मतलब ही हो गया विच रिक्वायर्स टू होस्ट। अब इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है नीट पे, इन दोनों में डेफिनेट होस्ट कौन सा है या प्राइमरी होस्ट कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है, एनोफिलीज को प्राइमरी होस्ट मानते हैं एंड प्राइमरी एज वेल एज डेफिनेट होस्ट। डेफिनेट होस्ट क्यों माना गया है एनोफिलीज को, क्योंकि एनोफिलीज में ही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनोफिलीज इज अ प्राइमरी होस्ट। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस हियर। क्लियर, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पे नीट में क्वेश्चन बनता है। तो प्लास्मोडियम का डेफिनेट होस्ट हो गया फीमेल एनोफिलीज और सेकेंडरी होस्ट बनेगा ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स एक्ट एज ए सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में इस प्लास्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेकेंडरी होस्ट बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट में डिफरेंस क्या है। अब डाइजेनेटिक होस्ट तो क्लियर हो गया कि प्लास्मोडियम को टू होस्ट चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। बट इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है कि प्लास्मोडियम दो होस्ट पे डिपेंडेंट है डाइजेनेटिक। बट क्या आप जानते हैं कि अगर प्लास्मोडियम ह्यूमंस के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो ये अपना लाइफ साइकिल कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है कि प्लास्मोडियम रिक्वायर्स सीरम एल्बुमिन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो प्लाज्मा में प्रोटीन है, ह्यूमन प्लाज्मा में जो प्रोटीन है एल्बुमिन, जब तक ये एल्बुमिन को कैरी नहीं करेंगे फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स, प्लास्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दैट प्लास्मोडियम रिक्वायर्स
serum albumin for the completion of, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, serum albumin for the completion of sexual reproduction. क्लियर ना? अगर ये नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा. क्लियर ना? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्लास्मोडियम को कैरी करता है एनोफिलीज, ओके, और एनोफिलीज यानी फीमेल मॉस्किटोज ही क्यों बाइट करती हैं ह्यूमन बींग्स को, या मैं बहुत सिंपली कहूं तो एनोफिलीज अट्रैक्ट क्यों होता है ह्यूमन बींग्स पे, क्यों बाइट करता है ह्यूमन बींग्स को? अगर वो बाइट ही ना करे तो सीरम एल्बुमिन मिले ना. सीरम एल्बुमिन एक रिक्वायरमेंट है, ये अंडरस्टूड है कि ये नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा. ठीक, बट वो अट्रैक्ट क्यों हो गया, वो किस कंडीशन पे अट्रैक्ट होता है, तो इसे भी हम लोग समझेंगे कि एनोफिलीज अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग. अगर ये अट्रैक्ट नहीं होगा तो बाइट नहीं करेगा ना, तो ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ओके, दैट इज वार्म टेम्परेचर और वार्म बॉडी. ये चीज तो पता है कि वी आर होमियोथर्म्स, वी आर वार्म ब्लडेड, सो ये एक रीजन है जिस पे एनोफिलीज अट्रैक्ट होता है, वार्म टेम्परेचर. नंबर टू, दैट इज एक्सेलेशन ऑफ CO2. CO2 पे भी एनोफिलीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो एक्सेलेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड द थर्ड वन, स्वेट, क्योंकि स्वेट में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एनोफिलीज के अट्रैक्ट होने के, बिकॉज स्वेट में कुछ केमिकल्स हैं जो इनके नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एलोमोन्स, ओके. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है नीट एग्जामिनेशन के लिए कि ह्यूमन स्वेट कंटेन एलोमोन्स, द केमिकल्स टूवर्ड्स विच द एनोफिलीज अट्रैक्ट. अब अट्रैक्ट तो हो गया, इनमें से कोई भी एक फैक्टर मिलेगा तो एनोफिलीज अट्रैक्ट होगा और एनोफिलीज बाइट करेगा. जब एनोफिलीज बाइट करेगा तो ये चीज आपको पता है ना कि एनोफिलीज के पास, यानी इस एनोफिलीज मॉस्किटो के पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ टीथ. तो ये चीज तो क्लियर है कि ये हमारे एपिडर्मिस को पियर्स कर सकता है, उसको छेद कर सकता है और वहां से ब्लड को सक कर सकता है. इसीलिए ब्लड इसका मील है, मील मतलब इसका फूड. तो ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ टीथ जब ये बाइट करता है एनोफिलीज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एनोफिलीज का जो इन्फेक्टेड स्टेज है, तो इसका जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो है स्पोरोजॉइड्स, ओके. तो ये अंडरस्टूड है कि जब एनोफिलीज बाइट करेगा तो वो अपना सेलाइवा रिलीज करेगा और सेलाइवा के थ्रू, मैं यहां से मेंशन कर रहा हूं कि एनोफिलीज रिलीजेस सेलाइवा. ये सबसे पहला स्टेज है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है. एनोफिलीज रिलीजेस सेलाइवा इनटू द ह्यूमन बीइंग्स और इनटू द ह्यूमन ब्लड, ठीक है, क्योंकि जब ये पियर्स करता है तो ये सेलाइवा रिलीज करता है. अब यहां पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर ये सेलाइवा के थ्रू, सेलाइवा रिलीज करने के बाद, अच्छा सेलाइवा रिलीज कर रहा है तो ये भी अंडरस्टूड है कि व्हेन इट रिलीजेस सेलाइवा, व्हेन एनोफिलीज रिलीजेस सेलाइवा, तो इट ऑल्सो रिलीजेस स्पोरोजॉइड्स. तो ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि इन्फेक्टेड जो स्टेज है वो स्पोरोजॉइड्स है, तो स्पोरोजॉइड रिलीज होगा थ्रू द सेलाइवा. अब क्वेश्चन ये आता है कि सेलाइवा में जब ब्लड जाता है, यानी एनोफिलीज पियर्स कर रहा है, सक कर रहा है ब्लड को, तो ब्लड एनोफिलीज में कोगुलेट क्यों नहीं करता है?
क्योंकि हमारी बॉडी का ब्लड जब बॉडी से बाहर आ जाता है तो कॉगुलेट कर जाता है, बॉडी के अंदर कॉगुलेट नहीं करता बिकॉज एंटीकॉगुलेंट हेपैरिन है, बट एनोफिलीज में ये कॉगुलेट नहीं करता बिकॉज ऑफ फीमेल एनोफिलीज, यानी जो मॉस्किटो है, इट्स सेलाइवा कंटेन एन एंटीकॉगुलेंट नेम्ड एज एनोफिलीन. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द नीट एग्जामिनेशन. तो एनोफिलीज, एनोफिलीज सेलाइवा कंटेन एन एंटीकॉगुलेंट एन एंटी कॉगुलेंट और ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉस्किटो के सेलाइवा में ह्यूमन का ब्लड कॉगुलेट क्यों नहीं करता, क्योंकि एंटीकॉगुलेंट एनोफिलिन है जो ब्लड को कॉगुलेट नहीं करने देगा इनटू द सेलाइवा ऑफ एनोफिलीज. क्लियर ना? तो यहां तक का पार्ट तो अब क्लियर है. अब इसका हम लोग एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि जब ये बाइट करेगा अपने पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ टीथ से तो ये बॉडी को हार्म कैसे करेगा. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक. इस चीज को हम लोग अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे. तो अब देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगेन फ्रॉम द बाइट ऑफ एनोफिलीज विच रिलीजेस सेलाइवा. ओके, बाइट ऑफ एनोफिलीज विच रिलीजेस सेलाइवा. ओके, एंड दैट सेलाइवा कैरीज और रिलीजेस स्पोरोजॉइट्स. ठीक है, तो ये स्पोरोजॉइट रिलीज होगा इनटू द ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड के थ्रू ये पहुंचेगा इनटू द लीवर. तो थ्रू ब्लड इट रीचेस टू, थ्रू ब्लड इट रीचेस टू लीवर. बात समझ में आ गई? यहां तक तो बहुत इजी है क्योंकि ये सेलाइवा रिलीज करने के बाद सेलाइवा स्पोरोजोइट्स को कैरी करता है. ये इन्फेक्टेड स्टेज है, यानी सेलाइवा में प्लास्मोडियम है एंड ये स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू लीवर पे पहुंचेगा. अब लीवर पे इसका सबसे पहला इवेंट यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो मैं जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रेड से मार्क करूंगा ताकि वो पॉइंट तो बिल्कुल मिस ना करें. तो लीवर पे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद, अब ये अंडरस्टूड है ना, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो काउंट इंक्रीज होगा, काउंट इंक्रीज होगा. और यहां पे जब काउंट इंक्रीज होगा स्पोरोजॉइट्स का, तो वो सारे स्पोरोजॉइट्स यहां पे मीरोजॉइट्स बन जाएंगे. तो मैं इस चीज को ऐसे मेंशन कर रहा हूं, आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लीवर, मैं ये आगे लिख भी दूं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसेस इन लीवर, तो जो काउंट इंक्रीज होगा तो स्पोरोजॉइट्स टर्न्ड इनटू, अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, स्पोरोजॉइट्स टर्न्ड इनटू मीरोजॉइट्स. तो क्लियर ना? अगर ये भी क्वेश्चन आपसे अगर नीट में पूछा जाए कि लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद स्पोरोजॉइट किस फॉर्म में चेंज होता है, तो वो फॉर्म है मीरोजॉइट्स. अब मीरोजॉइट्स क्या करेगा? मीरोजॉइट्स क्या करेगा? ये लीवर को बर्स्ट करेगा, लीवर को बर्स्ट करेगा. लीवर को बर्स्ट करने के बाद यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि कुछ तो लीवर में ही ऐड करते रहेंगे, यानी हाई नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. तो कुछ मीरोजॉइट्स लीवर में ही यानी फ्रेश लीवर सेल में एंटर करेंगे, उनको भी बर्स्ट करते रहेंगे. तो सम एंटर्स इन, ये मीरोजॉइट हैं, सम मीरोजॉइट्स एंटर्स इनटू, सम मीरोजॉइट्स एंटर्स इनटू
फ्रेश लीवर सेल्स, ठीक है, ये फ्रेश लीवर सेल में चला जाएगा, और कुछ इसमें आरबीसी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब ये आरबीसी की तरफ जा रहा है, अब न्यूरोसाइट जब आरबीसी की तरफ जाएगा तो ये थोड़ा सा मैं यहां से इसको एक्सपैंड करूंगा, आरबीसी में जाने के बाद ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, यानी जब ये इन्फेक्ट करेगा आरबीसी को तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज बनती है। स्टेज क्या बनेगा, जैसे ही ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा ये हीमोग्लोबिन को खाना स्टार्ट कर देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लास्मोडियम का इन्फेक्टेड स्टेज जो स्पोरोजॉइड था, लीवर पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड हुआ, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद इट टर्न इनटू म्यूरोजॉइड्स, एंड नाउ म्यूरोजॉइड स्टार्ट्स व्हेन इट एंटर्स इनटू आरबीसी इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन को फीड करना स्टार्ट करेगा, तो जो स्टेज हीमोग्लोबिन को फीड करता है, यानी अब ये बन गया फीडिंग स्टेज, और फीडिंग स्टेज को बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडिंग स्टेज को बोलते हैं ट्रोफोजॉइट्स, ओके। तो फीडिंग स्टेज बन गया ट्रोफोजॉइट्स, क्लियर ना, जैसे फर्स्ट स्पोरोजॉइट, देन म्यूरोजॉइट्स, देन ट्रोफोजॉइट। अब ये हीमोग्लोबिन को जब फीड करेगा तो हीमोग्लोबिन को फीड करने का मतलब हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा तो हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में, दैट इज हीम मीन्स द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन दैट इज प्रोटीन पार्ट, और ये प्रोटीन जो है ये कंज्यूम्ड हो जाएगा, यूटिलाइज्ड हो जाएगा बाय द ह्यूमन बीइंग्स, यानी इसका ब्रेकडाउन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये तो कंज्यूम्ड हो जाएगा, यूटिलाइज्ड हो जाएगा, और जब ये यूटिलाइज्ड हो जाएगा तो ये अंडरस्टूड है हीम बचेगा और हीम का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन को फीड करने की वजह से हीमोग्लोबिन की स्प्लिटिंग हुई, ग्लोबिन अलग हुआ, हीम अलग हुआ, ग्लोबिन कंज्यूम हो गया बट हीम बनता जा रहा है और ये डिपॉजिट होता जाएगा। तो जो डिपोजिशन ऑफ हीम है, मैं इस चीज को बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपोजिशन ऑफ हीम ये बन जाएगा अब एक नया स्टेज, हीम को सॉरी स्टेज को मतलब जब डिपोजिशन ऑफ हीम होगा तो ये बन जाएगा हीमोजॉइन, और हीमोजॉइन की फॉर्मेशन को मैं रिपीट कर रहा हूं, हीमोजॉइन की फॉर्मेशन जिस समय होती है उस स्टेज को, यानी डिपोजिशन ऑफ हीम जब होता है, हीमोजॉइन का जब फॉर्मेशन होता है, इस स्टेज को बोलते हैं शफनर डॉट स्टेज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शफनर डॉट स्टेज, क्योंकि इस स्टेज पे ही आरबीसी के हीमोजॉइन की वजह से ही हाई फीवर डेवलप होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, जैसे हीमोजॉइन का फॉर्मेशन होगा शफनर डॉट स्टेज आएगा तो हाई फीवर डेवलप होगा। अब हाई फीवर डेवलप हुआ, यानी ये बार बार हाई फीवर डेवलप करेगा, जितने आरबीसी बनेंगे फिर उसको इन्फेक्ट करेगा, फिर हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा, फिर हीमोजॉइन का डिपोजिशन होगा। तो ये चीज तो क्लियर है कि ये जो ट्रोफोजॉइट्स हैं, मैं इसे बहुत अच्छे से आपको बता दूं, ये जो ट्रोफोजॉइट्स हैं जो फीड कर रहा था, अब ये क्या करेंगे, ये दो ऑप्शंस लेंगे, कुछ तो इसमें चला जाएगा फ्रेश आरबीसी में, और फिर से वही स्टेज होगी कि ये आरबीसी को डैमेज करेगा, और आरबीसी को डैमेज करने के बाद
हीमोग्लोबिन को ब्रेक करेगा, हीमोग्लोबिन को ब्रेक करने के बाद हीम का डिपोजिशन होगा और यह प्रोसेस चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप एंटी मलेरियल ड्रग ना लें। अगर आप ये सोचें कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इस पे काम करेगा और हम खुद ही ठीक हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एंटी मलेरियल ड्रग लेना ही पड़ेगा, दैट इज क्विनिन और क्लोरोक्विनिन। ठीक है, अब जब ये फ्रेश आरबीसी में गया, कुछ तो फ्रेश आरबीसी में चले गए, फिर से वही होगा कि हीमोजोइन बनेगा, शफनर डॉट स्टेज आएगी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। अब कुछ इसमें बहुत स्मार्टली एक्ट करेंगे और डेवलप हो जाएंगे इनटू गैमेटोसाइट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि ये जब डेवलप हो जाएंगे इनटू गैमेटोसाइट, इसका मतलब अब ये फीमेल एंड मेल गैमेट्स में डेवलप हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ बन रहा है, गैमेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में हो रहा है। मगर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्राइमरी होस्ट कौन था, एनोफिलीस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन कहां होगा, एनोफिलीस में। इसका मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट तो बन जाएगा और जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट बनेगा, अब देखिए एक नया ट्विस्ट, अब ये मेल एंड फीमेल गैमेट हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है। मगर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये गैमेट्स है तो ये वही ट्रोफोजोइट्स, ये गैमेट्स हमारे सुपरफिशियल वेसल्स में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये डीपर वेसल्स में होंगे तो मॉस्किटो इतना डीप पियर्स तो करेगा नहीं। इसलिए ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि इट माइग्रेट्स टूवर्ड्स द सुपरफिशियल वेसल्स। तो मैं एंटर की बजाय माइग्रेट्स लिखूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट माइग्रेट्स टूवर्ड्स सुपरफिशियल वेसल्स, तो सुपरफिशियल वेसल्स में माइग्रेट होने के बाद अब एनोफिलीस, अब दूसरी एनोफिलीस जाके बाइट कर रही है इसको, यानी ह्यूमन बीइंग्स में सुपरफिशियल वेसल्स में जो गैमेट्स ट्रेवल कर रहे हैं, अब ये एनोफिलीस बाइट करेगा। तो बाइट ऑफ एनोफिलीस, ठीक है, एनोफिलीस जब बाइट करेगा तो इट कैरीज ब्लड मील, ये ब्लड मील लेगा, और जब ब्लड मील लेगा तो ये अंडरस्टूड है ना, जब ब्लड मील लेगा तो ये अंडरस्टूड है कि इस ब्लड मील के थ्रू गैमेट्स भी सक्ड हो जाएंगे और एंटर हो जाएंगे, गैमेट्स सक्ड एंड एंटर्स इनटू मॉस्किटो स्टमक, क्योंकि इसका मील है ना, फूड है, फूड सबसे पहले स्टमक में जाएगा, देन इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये एंटर करेगा सक्ड एंड एंटर्स इनटू मॉस्किटो स्टमक। ओके, तो ये मॉस्किटो के स्टमक में एंटर करेगा, ये चीज आपको दिख रहा है ना, ये मॉस्किटो के स्टमक में एंटर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड मिल के थ्रू ये दोबारा एनोफिलीस में आ चुका है। और अब क्या होगा कि जैसे ही ये मॉस्किटो के स्टमक में जाएगा और इसके स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड फाइनली क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये फिर से, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना, तो एनोफिलीस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ एंड फर्टिलाइजेशन हुआ, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ये माइग्रेट कर जाएगा अगेन एनोफिलीस के सलाइवरी ग्लैंड में। यानी अब जो चीज मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड पे माइग्रेट हुआ है वो डाइप्लोइड स्टेज है, और वो स्टेज यानी स्पोरोजोइट्स जो अब बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट फिर रिलीज्ड होगा और फिर से ये साइकिल कंप्लीट होगा, फिर हीमोग्लोबिन रप्चर होगा,
हीमोजोइन बनेगा अगेन, फिर हाई फीवर डेवलप होगा। तो ये अब माइग्रेट करेगा, ओके, तो इट माइग्रेट्स टू सलाइवरी ग्लैंड, और जैसे ही ये सलाइवरी ग्लैंड पे माइग्रेट होगा, ओके, तो अब ये बाइट करेगा, और बाइट करने के बाद, क्योंकि अब स्पेस कम है तो मैं सीधा सीधा यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये बाइट करेगा टू रिलीज, तो एनोफिलीज बाइट टू रिलीज। अब जो चीज रिलीज होगी वो अगेन स्पोरोजॉइट्स होगी, ओके, और फिर जब स्पोरोजॉइट रिलीज होगा, ये दिख रहा है ना आपको, अब ये स्पोरोजॉइट फिर जब रिलीज होगा, फिर रिलीज होगा तो स्पोरोजॉइट फिर से लीवर पे आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, फिर आरबीसी में जाएगा, हीमोजोइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, नीट एग्जामिनेशन में भी इस पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिम्टम्स व्हेन शफनर डॉट स्टेज डेवलप और व्हेन हीमोजोइन फॉर्म्स। तो इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो सिम्टम्स आएंगे, ये भी बहुत ध्यान से आपको समझना है, जो सिम्टम्स आएंगे इतना ही पोर्शन रब कर लेते हैं, क्योंकि इतने में अब आपके सिम्टम्स और प्रिवेंशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिम्टम्स तब डेवलप होता है जब हीमोजोइन का फॉर्मेशन होता है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो सिम्टम्स में पहले, सबसे पहले डेवलप होगा हाई फीवर, और जैसे ही फीवर डेवलप होगा बहुत ठंड लगने लगेगी पेशेंट को, दैट इज चिल एंड शिवरिंग। शिवरिंग जानते हैं ना आप लोग, कपकपी सी डेवलप होगी, नौजिया डेवलप होगा, यानी उसको वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, हेडेक रहेगा, एंड क्योंकि फीवर है तो ये प्रोफ्यूस स्वेटिंग भी होगी इन सिम्टम, यानी सिम्टम में ये भी एक पार्ट है, प्रोफ्यूस स्वेटिंग। कंट्रोल क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि कंट्रोल है सिर्फ एक, दैट इज कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो बाय मॉस्किटो रैपेलेंट, ओके। तो मॉस्किटो रैपेलेंट्स में बहुत सारे रैपेलेंट्स हैं जिससे आप मॉस्किटो की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, एंड इसका ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट में भी एक क्वेश्चन आता है एकेडमिक में भी एंड नीट एग्जामिनेशन में भी। ट्रीटमेंट इज बाय एंटी मलेरियल ड्रग, एंड दैट ड्रग इंक्लूड्स, इस ड्रग में तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग मैं मेंशन करूंगा, एक है क्विनिन, ठीक है, एंड क्लोरोक्विनिन, बहुत सारी फॉर्म्स हैं इसके, बट ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि जिस प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है क्विनिन एंड क्लोरोक्विनिन, वो बार्क होता है ऑफ सिंचोना ट्री, ओके, बार्क ऑफ सिंचोना ट्री, जिससे एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन होता है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में एज वेल एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में, बट इसे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, एज वेल एज सिम्टम्स भी इसके बहुत कॉमन है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है, तो वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक बटन को प्रेस करें, एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई कैन पोस्ट मोर एंड मोर वीडियोस रिलेटेड टू दिस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।